भगवान की कृपा से राम कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी आदरणीय श्रोता भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा से कल भगवान कथा के माध्यम से पधारे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी ने भगवान राम के जन्म के लिए एक बात बड़ी विशेष कही, जोर देकर कहा। क्या कहा? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जब राम जी महाराज का प्रागट्य होता है तो समस्त चीजों की अनुकूलता हो जाती है और ये जीवन, इस जीवन में पग पग पर प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, कुछ न कुछ अनुकूलताओं की कमी रह ही जाती है। लेकिन जब साधक के हृदय में भगवान की उपासना उतर आती है, जब साधक के हृदय में भगवान राम के स्वरूप का प्रागट्य हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो उसके लिए सब कुछ अनुकूल हो जाता है। यहां तक कि चर और अचर हर्ष युद्ध, जो चलने वाले जीव थे वो और जो नहीं चलने वाले स्थिर रहकर अपने प्राण वायु से जीविका चलाने वाले जो जीव थे, ऐसे अचर ना चलने वाले, वो भी हर्ष से प्रसन्नता से युक्त हो गए। क्यों? तो सबका निचोड़ देते हुए कहा, राम जन्म सुखमो। राम जी का जो जन्म है वो सुखों का मूल है। मूल का अर्थ जड़, मूल का अर्थ आधार, मूल का अर्थ अस्तित्व, मूल का अर्थ जहां से पेड़ की उत्पत्ति होती है, जहां से सृजन होता है, उसे मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं। तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि राम जन्म ही सुखों का मूल है। इसलिए राम जी महाराज का जन्म हो जाए, राम जी महाराज की उपासना का प्रागट्य हो जाए, ये उद्देश्य है। अयोध्या में परम आनंद हुआ, बधाइयां गाए गए, सोहर गाए गए, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। महाराज दशरथ परमानंद में डूब गए। तत्पश्चात नामकरण संस्कार हुआ, चारों भाइयों का नाम रखा गया, कौशल्यानंदन राम, सुमित्रानंदन लक्ष्मण, शत्रुघ्न और कैकेयी नंदन का नाम भरत रखा गया। कुछ बड़े हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया, गुरुदेव ले गए, शिक्षा दी, उपनयन संस्कार कराया। मध्य में कुछ बाल लीलाओं का वर्णन आता है, रसिक संतों ने किया है, गोस्वामी जी ने अल्प में ही
कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चले। ऐसे लीलाओं का स्मरण किया, शिक्षा लेकर जब भगवान अयोध्या आए तो श्री विश्वामित्र जी भगवान का अवतार हो चुका है यह जानकर राम लखन को साथ में ले जाने के लिए आते हैं। महाराज दशरथ से जब याचना की तो महाराज उदास हो गए और उदास होके वो कहते हैं, चौथे पन पायो सुखचारी विप्र वचन नहीं कह विचार। ये क्या मांग लिया आपने? आप धेनु मांगे होते, कोश मांगा होता, चतुरंगनी सेना मांगी होती, मैं आपको सहर्ष देता, लेकिन राम देते नहीं बनता। आखिर में विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैंने सुना है कि अयोध्या के राजदरबार से कभी कोई भी खाली नहीं लौटा, इसी आशा से मैं आया हूं। आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए। मेरा काम था मांगना, मैंने मांग लिया, अब आगे आपकी इच्छा। ऐसा क्यों हुआ? कहा, महाराज को संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ? संदेह हुआ कि कहां राम लखन मेरा छोटा सा बालक और कहां निश्चर अति घोर कठोरा, और ये बालक उन राक्षसों से जाकर युद्ध करे उसे मारे, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा। यही है ममता, यही है। और ममता क्या करती है? ममता सदैव नकारात्मक सोच पहले देती है। अपना कोई बाहर गया हो और टाइम पर ना आया हो तो एक चिंता सी होने लगती, क्यों नहीं आए, क्या बात हुई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। ये नहीं होता कि अरे आ जाएंगे कोई बात नहीं, पहले नकारात्मक सोच ही आते हैं, ये ममता है। तो जब संदेह हो गया तो संदेह का नाश कैसे होगा? तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, नृप संदेह नाश पावा। जब कोई समस्या उलझ जाए, समस्या प्रकट हो जाए, समस्याओं से जीवन घिर जाए, इसको थोड़ा रिपीट करके हल्का कर दो, तो का वहां गुरु की जरूरत होती है। वहां गुरु ही होंगे, वही इसका समाधान कर सकते हैं। आ गए गुरु जी बीच में। जब जब रघुवंश पर समस्या आई तब तब गुरुओं ने ही समस्या का समाधान किया, कभी वशिष्ठ जी ने, कभी विश्वामित्र जी ने। जैसे समझाया महाराज दशरथ के सारे संदेह का समूल विनाश हो गया। यही गुरु की सत्ता है मेरे भाई बहन। गुरु जीवन को शुरू कर देते हैं, गुरु जीवन को नया बना देते हैं, गुरु नया जन्म देते हैं शिष्यों को। ये जो संत लोग
ललाट पर तिलक लेते हैं, इसका अर्थ यही है। ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई रेखाओं को अपने तिलक से काट देते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे लिखा है ना, गुरुदेव उसे काट देते हैं अपने तिलक से और नई नई बात ललाट पर लिख देते हैं। इसीलिए गुरु की जुर्रत पग पग पर है। श्री रामदेव जी गुरु बनाए नहीं थे, भगवान का साक्षात्कार नित्य होता था। एक दिन भगवान ने कहा, नामदेव जी गुरु तो बना लीजिए। नामदेव जी ने कहा, प्रभु गुरु बनाना होगा, कहा मानना होगा, बनाना होगा। कहा तो किसे बनाऊं? कहा आप जगन्नाथपुरी में विशोबा खेचर जी नाम के एक संत हैं, आप उनके पास। प्रभु की आज्ञा, गए तो लोगों से पूछा कि विशोबा जी नाम के कोई संत हैं? पहले तो किसी ने बताया ही नहीं। एक वृद्ध संत मिले, उन्हें जाकर नामदेव जी ने पूछा, बाबा यहां कोई विशोबा खेचरण नाम के कोई संत है? वो संत जी पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, वो तो पागल जैसा है, उससे मिलके क्या करेंगे आप? कहा, बाबा मुझे उन्हीं से मिलना है। कहा, वो पागल है, वो न किसी से बात करता है न किसी से व्यवहार करता है, उसे तो लोग पागल कहते हैं। नामदेव जी ने कहा, बाबा आप मुझे बता दो, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। बता दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर से थोड़ी दूर हटकर एक शंकर जी का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर विशोबा जी सोए हुए। नामदेव जी गए तो देखा वो सोए हुए हैं और उनका पैर शंकर जी के शिवलिंग पर रखा हुआ है। नामदेव जी ने कहा, ये कोई गुरु है? बताओ, शंकर जी के मंदिर में कोई सोए और शिवलिंग पर अपना पैर रख के सोया रहे, कैसा लगेगा? करेगा बर्दाश्त कोई? कैसा आदमी है? नामदेव जी को मन में आया कि भगवान ने लगता है विनोद किया है, ऐसा भी कभी हो सकता है, लौट जाऊं तो अच्छा है। ऐसा सोचकर लौटना चाहा, तब तक मन में आया, अच्छा एक बार कुछ बात कर लूं, जब आया हूं भगवान शायद पूछ दे, कुछ पूछते तो सही। तो उच्चारण किया, बाबा बाबा। बाबा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, आ कौन है? नामदेव जी ने कहा, बाबा मैं नामदेव हूं, मैं आप ही से मिलने आया हूं। कब मुझसे मिलने, क्या काम है? अब नामदेव जी ने सोचा, अगर मैं कहूं कि आपको गुरु बनाना चाहता हूं तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु इन्हें क्या बनाऊं, शिवलिंग पर पैर रख के सोए। कहा, बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो कहा, बोलो। कहा, बाबा एक बात कहूं? कहा, का पहले आप उठ के बैठ जाइए ना, आपके चरण भगवान शंकर के मस्तक पर रखे हुए हैं। जोर से ठहाका लगाया विशोबा खेचर जी ने, ओह अच्छा ऐसा हो गया है। कहा, बाबा। कहा, तो बेटा मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे पैर उठा के जरा हटा दो, शिवलिंग पर पैर तो नहीं रहना चाहिए। नामदेव जी ने कहा, ठीक है। नामदेव जी ने चरण पकड़े और उठाकर जैसे दूसरे जगह पर रखा, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। अब वहां भी चरण रखा हुआ।
फिर चरण उठा के दूसरे जगह पर रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। इस प्रकार से बाबा के चरण पकड़कर चारों ओर नामदेव जी ने घुमा दिए, चारों ओर भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो और चरण के नीचे नामदेव जी उनके चरणों में पड़ गए। क्षमहु नाथ भूल भयो नाम देव सो। नामदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, क्षमहु नाथ भूल भयो नाम देव सो। अब मो पर कछु कृपा कराइए, दूर ते आयो तेरे चरण में पुजारी बन। अब मोहि शिष्य रूप अपना। शोभा जी ने कहा, अब जब चारों ओर प्रकट हो गया शिवलिंग तो उठ के बैठ गए। कब मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हैं? नामदेव जी ने अब राज की बात राज नहीं रखी, अब कह दिया, प्रभु, हे गुरुदेव, आपके पास जगत पिता ठकुराई, जिनको लोक परलोक में सोई नामदेव को तेरो पही पठा। हे गुरुदेव, जगत नियंता, जगत पिता, जगत का मालिक उसी ठाकुर ने आपके पास मुझे भेजा है। विशोभा जी तो सब कुछ जानते ही थे और तब शिष्य बना लिया। देखो, गुरु बनाना चाहिए का अर्थ केवल दीक्षा कंठी तिलक से मत लेना। मेरा यह उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि एक गुरु सत्ता कोई हमारे हृदय से जुड़ा हो, जिनके संरक्षण में मेरा जीवन चलता जाए। जब कोई समस्या हो तो मैं सुना सकूं, कुछ कह सकूं, समाधान ले सकूं। और यह तब होगा जब मेरा मन किसी के प्रति समर्पित होगा। सदगुरु दृढ़ नौका है इस भवसागर के, वो पार कर देते हैं। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरुदेव के चरण कमल के प्यासे हैं, दर्शनार्थी हैं, वो लोक में भी और वेदों वेद भी उन्हें पूज्य कहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कृपा कर दी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, नृप संदेह नाश कृपा। और जब संदेह का नाश हुआ तो क्या हुआ? चमत्कार हो गया। जो महाराज अपने पुत्र देने के लिए तैयार नहीं थे, वही कहते हैं, अति आदर दो तनय बोला, दोनों बेटे को आदर पूर्वक।
पग बुलाया और सीने से लगा लिया और क्या कहा, बेटा आज तक तो मैं ही तेरा पिता था, लेकिन अब विश्वामित्र जी तेरे गुरु भी हैं और तेरे पिता भी हैं। मेरे प्राण नाश दो, तुम मुनि पिता जाओ बेटा, मुनि गुरु भी, मुनि पिता भी, मुनि माता भी, इनके साथ जाओ। और जब दशरथ जी ने ऐसा कह दिया, वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हो गए और भगवान राम लखन विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी के आश्रम पर जाकर रक्षा करने लगे। मारीच को बिना फर के बाण मारा, 100 योजन पार लंका में जाके गिरा। सुबाहु को अग्निबाण से मारा, उद्धार कर दिया। ताड़का का उद्धार कर दिया। तत्पश्चात एक दिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम चलोगे कहाँ गुरुदेव? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बरेसा। आज मिथिला जी का प्रकरण है और मिथिला जी में जानकी जी की प्रधानता होती है। जपत रहत नित सीता सीता, श्री शूर किशोर जी राम को बाद में सीता जी का नाम पहले लेते थे। पहले का अर्थ है कि वो जब सीता 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 कभी श्री राम बोल दिया ऐसा। और ये भी तो मिथिला भूमि ही है हमारी, हमारा गया जी है कि नहीं मिथिला? मिथिला के आसपास तो है। मिथिला के करीब, चंदन के करीब रहने वाला पेड़ भी चंदन के जैसा सुगंधित होगा। इसलिए अगर ऐसा हम मान लें कि मिथिला के करीब है तो मिथिला ही है, तो शायद उचित ही होगा। भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। मार्ग में एक आश्रम दिखा सूना सा, आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तहां। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय। राम, ये गौतम नारी अहिल्या है, इसके साथ छल हुआ है और उसी छल के परिणाम स्वरूप इनके पति गौतम ने श्रापित कर दिया। अब एक काम करो राम जी, गुरुदेव गौतम नारी श्राप बस ऊपर दे हरि, चरण कमल रज चाहती कृपा करहुं। गुरुदेव, जीव पर भगवान की कृपा करवा दी, अत्यंत ही सुंदर प्रमाण है अहिल्या प्रसंग का। विश्वामित्र जी स्पष्ट कहते हैं, राघव हे राम चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर, कृपा करो
और कृपा जो करवा दे वही गुरु है, जो भगवंत की कृपा करवा दे वो संत है, जो जीव को सीव से मिला दे वो साधु, जो जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे वो साधु, जो जीवात्मा सामान्य जीव के जीवन में आनंद भर दे वो साधु, जो संसार के विषय में पड़े हुए जीवों को निकाल कर परमात्मा के हाथ में उसके जीवन की डोरी पकड़ा दे वो साधु, वो गुरु। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा गुरुदेव आपके रहते मैं चरण स्पर्श कराऊं, एक बार भी नहीं कहा। क्यों? भगवान समस्त कारणों को जानते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोक के लिए लीला कर रहे हैं लेकिन सब कुछ जानते हैं। चरण स्पर्श जैसे कराया अहिल्या प्रकट हो गई और प्रकट होकर स्तुति करती है। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी यार गावे जय रघुराई। धन्य धन्य कहते हुए आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित करती हुई स्तुति करती है और स्तुति करते करते एही भांति सिधारी गौतम जी पति के लोक में लौट गई। अपने को धन्य मानते हुए प्रभु कृपा से प्रसन्न होकर
भक्ति की प्राप्ति कर मानो अपने पति के लोक में चली गई। श्री गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार भगवान आगे बढ़े, गंगा जी का स्नान किया और महाराज जनक को खबर भेजी कि विश्वामित्र जी मिथिला में आए हैं। यहीं से मिथिला जी का प्रसंग प्रारंभ होता है। जनक जी को सूचना गई, जनक जी वहां आए, कुछ विप्रों को साथ में पूजा का थाल लेकर आए। विश्वामित्र जी बैठे हैं और भगवान राम लखन वहीं थोड़ी निकट में ही कहीं ऐसे ही गए देखने के लिए, जरा देखो यहां का कैसा दृश्य। कहते हैं जनक जी इधर आए, प्रणाम किया, तब तक राम लखन जब आए वहां तो उठे सकल, जब रघुपति आए सभी उठ के खड़े। विश्वामित्र जी भी जब सकल तो सब, क्यों? शिष्य को केवल गुरु के प्रति आदर हो यह तो बात ठीक है, इतना ही नहीं है, गुरु को भी शिष्य के प्रति एक आदर का निर्वाह करना पड़ता है। मानो इसलिए भी अब जब इन दोनों बालकों को देखा जनक जी ने, तो जनक जी तो अचंभित हो गए, पूछने लगे कि ये कौन है, ये नृपकुल पालक के मुनिकुल तिलक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, कहाँ होना सुंदर दो बालक। अपनी सारी वास्तविकता को महाराज जनक ने निकाल कर रख दिया, आज सारा ज्ञान विसर गया। अपने आप को छुपाने वाले महाराज, जो जोग भोग महाराज थे उगोई, अपने योग को भोग में छुपा कर रखना कितना कठिन है। व्यवस्था में अव्यवस्था को छुपा लेना थोड़ा आसान है, नीति में अनीति को छुपा लेना आसान है, सत्य में असत्य को छुपा लेना आसान है, लेकिन अपनी उपासना को, अपनी वास्तविकता जो उनकी उपासना है, उसे संसार के विषय में छुपाना कितना कठिन है। का जोग भोग महा राखे उगोई, इन्हीं बिलोकत प्रगट प्रगट। और कहने लगे गुरुदेव ये कौन है, इन्हें देखकर मुझे मोह क्यों हो रहा है, ये ब्रह्म तो नहीं है, ये आखिर कौन है, इन्हें देखकर बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा, मेरा मन बरबस अर्थात जबरन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है, ये कौन है मुझे बताइए। विश्वामित्र जी समझ गए कि लीला तो राम की ही है, और तब बड़ा सुंदर परिचय दिया, कहा महाराज ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राण, जहां तक सृष्टि में प्राणी है सभी लोकों में ये सबका प्रिय है। सबका प्रिय होना थोड़ा सा कठिन कार्य ही है, मन मुस्काए राम, राम जी महाराज मनी मन मुस्कुराने लगे। तब परिचय दिया ये दशरथ नंदन राम है,
इन्हें इनके पिता ने मेरे लिए यहां भेजा है। जनक जी प्रसन्न हुए और ले जाकर सुंदर सदन में निवास दिया। वहां विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के लिए राजभवन के सारे लोग आए, प्रणाम किया। एक रामायण में आया कि वहां जानकी जी भी प्रणाम करने के लिए आई। तो जानकी जी ने विश्वामित्र जी को जैसे प्रणाम किया ना, भूमि पे बैठ के झुक के, तो उनके सर से जूड़े से एक फूल टूट कर गिर गया, फूल कर गिरा उनके चरण। तो जैसे गिरा, विश्वामित्र जी ने उस पुष्प को उठा लिया और राम जी के हाथों में पकड़ा लिया। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी एक बार भैया को देख रहे हैं, एक बार गुरु जी को देख रहे हैं कि आखिर ये बात क्या है। राम जी समझ गए कि इसी फूल के बहाने ही यहां कुछ होना है, पुष्प के बहाने। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने। तत्पश्चात लखन हृदय लालसा विषेकी, जाई जनकपुर आई है देखी। जनकपुर देखने की लालसा, देखने के लिए गुरुदेव शाग्या लेकर गए। जब मिथिला में गए तो मिथिला के नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सभी अपने अपने घर से निकल गए। मनहु रंग निधि लूटन लगे। भगवान राम के स्वरूप देखते हैं और ऐसा आनंद छा गया। आज मिथिला के सारे लोग मानो भगवान के बिना प्रभुता जाने ही दासत्व का दास भाव को स्वीकार कर, ऐसा भगवान स्वीकार कर लिया। रसिक संतों ने कहा अपना सगा संबंधी जैसे एक प्रेम प्रकट हो गया, भगवान को अपना स्वीकार कर लिया। और सभी उनके स्वरूप को देखकर अपने को परमानंद में डुबोते हैं। मेरी पतरा को धनदारी, मेरी पतरा को धन, आया मांगा पाया।
लखाया, जिसको तुमने रूप लखाया, जिसको तुमने रूप लखाया, जिसको तुमने रूप लखाया, जीवन उसने धन्य बनाया, जीवन उसने धन्य बनाया, अब कृपा करो दर्शन किया है। तत्पश्चात भगवान आए, गुरुदेव के पास आकर समाचार सुनाया। तत्पश्चात कहते हैं कि नगर दर्शन में भगवान कुछ बच्चों के भी घर गए। बच्चे बड़े प्रेम से उन्हें अपने अपने घर बुलाए ले गए। रात्रि व्यतीत हुई। दूसरे दिन प्रातः विश्वामित्र जी को पूजा में पुष्प की जरूरत पड़ी। गुरुदेव मैं ला दूं, कैसे लाओगे? गुरुदेव यहां तो बहुत अच्छी वाटिका है। गुरुदेव की आज्ञा हुई। भगवान राम लखन पुष्प लेने के लिए जाते हैं। रामचरित्र में दो वाटिका है, एक पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में भी जानकी जी आई हैं और अशोक वाटिका में भी जानकी जी गई हैं। दोनों के संरक्षणकर्ता विद्वान हैं। एक तरफ महाराज जनक हैं तो दूसरे तरफ महाराज रावण है। फूल पौधे वाटिका ही जब है तो एक से एक फूल दोनों में है, किंतु एक वाटिका में श्री जानकी जी को आनंद मिला है और दूसरी वाटिका में जानकी जी को दुख मिला है। एक संयोग की वाटिका है और दूसरी वियोग की वाटिका है। यही संसार है मेरे भाई बहन। यहां संयोग वियोग सुख दुख, दिन रात अंधेरा प्रकाश, फूल कांटे, श्रेष्ठ न्यून, बड़ा छोटा, यहां इन सभी
सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। यही संसार है। इस वाटिका में जब भगवान गए तो कहते हैं कि इस वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता था। माली ने रोक दिया भगवान को कि राम जी, इस वाटिका में तो पुरुष का प्रवेश नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई जाने दो, जाने दो, फूल तोड़ना है, गुरुदेव की पूजा के लिए फूल की आवश्यकता है। तब तक वहां मालिन भी आ गई। मालिन ने कहा, राम जी ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, यहां तो केवल और केवल महिलाओं का प्रवेश है और आप पुरुष इसमें कैसे जा सकते हैं। रसिक संतों ने कहा, उस मालिन ने कहा लक्ष्मण जी को देखकर, लखन जी ऐसा करिए, राम जी आपके बड़े भाई हैं, इनको यहीं रहने दीजिए और आप मेरे वेश को धारण करके वाटिका में प्रवेश कर जाइए। अब तो लक्ष्मण जी थोड़ा जल्दी चिढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि लक्ष्मण जी से बर्दाश्त थोड़ा कम होता है और अपने लिए तो हो जाता है क्योंकि उनका स्वभाव शीतल सुभग भगत सुखदाता है, लेकिन राम जी के लिए जरा सा कोई बात होती है तो तुरंत तूफान आ जाता है। ऐसा कहा, यह तो मुझसे नहीं हो सकता, और किसी ने नहीं रोका, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों रोक रहे हो। कहा, मैं इसलिए रोक रही हूं कुंवर जी, आपके भैया के चरणों में कोई जादू है और इसकी चर्चा पूरी मिथिला में है। तेरी चरणों में जादू भरी है, न मानो तो पूछो किसी से, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो किसी से पूछ लीजिए, बात मेरी ही क्यों मान लोगे, एक मैं ही क्या तेरे। चरणों में जादू है तो क्या हुआ, यहां भी कोई जादू हो सकता, हाँ जादू तो कहीं भी चल सकता, अगर यहां भी जादू हो जाए तो हम मिथिलावासी क्या करेंगे। रसिक संतों ने कहा कि उस मालिन ने भी कहा, प्रभु आप चरण धोकर प्रवेश करिए अगर करना। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो चरण तो पैर तो नहीं धोऊंगा, फूल तोड़ना है हाथ को धो लो। मालिन ने कहा, नहीं नहीं, हाथ केवल धोने से नहीं होगा, चरण भी धोना होगा। रसिकों ने कहा, भगवत रसिक रसिक की बात तो कोई रसिक ही समझ सकता, समझे ही खग खग ही के भाषा। आखिर में भगवान को प्रवेश दिया, प्रवेश करते हैं, पुष्प तोड़ते हैं, पुष्प तोड़ने के क्रम में सखियों के साथ जानकी भी आई। आहा,
जब जानकी जी आई उस वाटिका में तो सबसे पहले गिरिजा जी के पास जाकर पूजा करती है। राम जी को देखने के बाद तो निवेदन करती है, पहले पूजा करती है दो बार और पूजा करके जैसे तैयार होती हैं, इसी बीच में एक सखी न जाने क्या मन में आया कि वाटिका को देखने के लिए चली गई। वो देखने चली गई। जब वो देखने चली गई तो थोड़ी ही देर में उसने कुछ देखा। क्या देखा? का उसने राम और लखन को देख लिया, भगवान को। और जैसे देखा तो वो इतनी विचलित हो गई, इतने प्रेमानंद से भर गई कि उसे अपना होश ही नहीं रह गया। भक्त भक्ति और पागलपना में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, अगर भक्ति ठीक से उतर जाए तो, क्योंकि उसे फिर न कोई चिंता होती है और न कोई होश। चैतन्य महाप्रभु समुद्र के तरंगों को देखकर श्यामल तरंग समझा, कहा अरे ये तो मेरा श्याम सुंदर है, ऐसा कह के समुद्र में कूद पड़े। अब उनके सारे परिकर रो रहे हैं, महाप्रभु डूब गए डूब गए डूब गए, अब क्या होगा अब क्या होगा। और महाप्रभु को भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथों से निकाल कर बाहर तट पर रख दिया। भक्ति और पागलता में, पागलपन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, वो सखी गई, देख भी लिया और देखने के बाद जब वो आई, हा हा इतने जोर से हांफ रही है, आनंद मग्न है, प्रेम के सभी चिन्ह उसके शरीर पर उदित हो गए हैं, उसके चेहरे पर एक आनंद की रेखाएं बार बार गतिमान है, श्रम बिंदुओं से मुख भरा है, आंखों से अश्रु की धारा प्रेमाश्रु उमड़ रहे हैं। सखियों ने कहा सखी क्या बात है, क्या बताऊं, श्याम गार किमी कहूं बखानी, नयन बिनु मानी। सखी मैं क्या बताऊं, आंखों ने देखा है तो आंखें बोलती नहीं और जुबां बोल सकती है तो इसने देखा नहीं, मैं कैसे बताऊं। वो दोनों कुमार जिसने मिथिला पर जादू चला दी है, वो दोनों वाटिका में आए हैं। जानकी चलो ना देखते हैं। जानकी जी संकुचित होती हैं और सारे सखियों ने जिद कर दिया, जानकी चलो 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 चलो, और जानकी जी की तो वहां मिथिला में उपासना ही होती है। मेरे भाई बहन, जानकी जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा, यनमाया वसवर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्पाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म यद पाद प्लव मेघमेव हि भवाम्बो देशती तिरशावताम तम शेष कारण पर। दुनिया में जितने प्रकार का श्रेय है, यश है, कीर्ति है, पवित्र यश है, इन सब को देने वाली
माँ जानकी है। और कोई दे ये बात अलग है, लेकिन जानकी जी से श्रेय मिलता है। श्रेय का अर्थ है जैसे आपने कोई काम किया तो आपको श्रेय मिला कि ये काम इन्होंने ही किया, इनके द्वारा संपन्न हुआ, ये श्रेय है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ करीब जितने प्रकार के श्रेय हैं, सब श्रेय जानकी जी देने वाले हैं। एक बार सूर किशोर जी की बड़ी सुंदर कथा है, जानकी जी की प्रतिमा को स्थापित करके और नित्य पूजा करते थे, बड़े अच्छे संत थे। कुछ कहना चाहते हैं? जानकी जी मूर्ति स्थापित की, पूजा करते थे, रोज दर्शन करते थे। वो जो होता है ना हाथ में जो लिखा जाता है, गोदना कहते हैं उसको, गोदना, गोदना ही कहते हो ना आप लोग, बोलो ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है इसका। तो एक गोदना बनाने वाली वो आई, आई तो उस समय सूर किशोर जी के यहां तीन बहू और थी, भक्त थे, कहीं से आए थे दर्शन के। सूर किशोर जी अंदर बैठे थे, उन तीनों ने जाकर बारी बारी से उसे उस गोदने वाली से गोदना करवा लिया, लिखवा लिया। किसी ने कुछ नाम लिखाया, किसी ने, सब अपने अपने पसंद से नाम लिखवाते हुए, कोई तो अपना ही नाम लिखवा लेता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, अच्छा भी है। जब तीनों बहुओं ने गोदना करवा लिया अपने हाथों पे, तो जानकी जी ने सोचा कि मेरे पिताजी कहीं बैठे हैं, सूर किशोर जी उन्हें अपना बेटी मानते थे जानकी जी को, तो जरा मैं भी चल के करवा लूं। जानकी जी घूंघट लेकर निकली और जाकर गोदने वाली से कही कि मुझे भी लिख दो। तो घूंघट थोड़ा लंबा सा था, तो उसने कहा कि बहू रानी आप कौन हो? का मैं बहू नहीं हूं इस घर की, मैं सूर किशोर जी की बेटी हूं। का तो इतना बड़ा घूंघट, का बस यूं ही, का घूंघट उठाओ ना। जब घूंघट उठाया और जानकी जी के मुख को उसने देखा, वो निहाल, उसे अपना होश नहीं रहा। जानकी जी ने कृपा करके उसका होश कायम किया, उसके बाद कहा जल्दी से गोदना का काम मेरा कर दो। का क्या लिखूं, उन लोगों ने तो अपने पति का नाम लिखवाया, किसी ने अपना नाम भी लिखवाया। का मेरे हाथों पे श्री राम लिख दो, हाथों पे श्री राम। चली गई। अब जब चली गई तो सूर किशोर जी बाहर निकले, उस गोदने वाली ने कहा कि पैसे दे दो। का कितने पैसे हुए? चारों के जितने पैसे हुए थे बताया। कहे तो ज्यादा है। का तो मैंने चार लोगों को के हाथों पे लिखा है। का चार लोग? कहा, का चार तो यहां है नहीं, तीन है। का नहीं, मैंने तो चार को, मैंने चार के हाथों पे बनाया है। तीन के पैसे सूर किशोर जी ने दे दी और कहा कि अभी तो तुम जाओ, मैं उन बहुओं से पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे कि नहीं चार ने करवाया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जा। वो चली गई। बहुओं से जाके पूछा कि कितने लोगों ने गोद नहीं करवाए? का तीन लोगों ने। का वो तो चार बोल रही है। का नहीं, तीन नहीं कराए।
जब रात्रि में सूर किशोर जी सोते हैं, जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी स्वप्न में आई और स्वप्न में आके खड़ी हो गई। चेहरा उदास है, आंखों से अश्रु की धारा बूंदे गिर रही हैं। सूर किशोर जी ने स्वप्न में पूछा, क्या बात है बेटा? मोसे न बात करो, मोसे ना संबंध कोई, बहु बहु संग मुझ बेटी बिसरायो। पिताजी, आपने बहुओं को तो याद रखा, बेटी को भुला दिया। अब नहीं नाता कोई तेरा संग मेरो तात, तू भी बिसरायो है मैं भी बिसरा। टके गोदना के खातिर बेटी को भुला भुला दिया आपने। अरे वो तो परम व्याकुल हो गए और इतने व्याकुल हो गए कि कहा, बेटी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। जानकी जी को किसी प्रकार मना कर रात में ही उसके पास गए और उसे पैसे दिए, उसके चरण पकड़ लिए। अरे तुम तो धन्य हो, मुझसे पहले मैं तो नित्य पूजा करता हूं, तुमने तो साक्षात दर्शन कर लिया। तो मिथिला के संत सीता 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 का जप करते हैं। एहन पतित के आही पत राखव हे महारानी सीता, आही के चरण माँ के दास हे महारानी सिया, माँ के दास हे महारानी सिया। ये मिथिला जी के गीत हैं। करम करम
हुआ। सब दिन सोहायल सुख बिलास में, उपासना बड़े अच्छे अच्छे पद संतों ने लिखे हैं, सुनाए हैं, गाए हैं, अनुभूति की है। मेरे भाई बहन, जब वो सखी चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जब जानकी जी सखियों के साथ गईं और भगवान उधर पुष्प चयन कर रहे हैं, तब तक एक आवाज सी आई, कंकन किंकन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। लक्ष्मण जी से बोलना शुरू कर दिया राम जी ने, लखन ये आवाज तो जनक कन्या की है। लक्ष्मण जी से कहना शुरू कर दिया, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहती। लक्ष्मण जी से जो जो बातें हृदय में आई वो सारी बातें कह दी राम जी।
इतना ही नहीं, राम जी ने जब सारी बातें कह दी, बात कह रहे हैं तब तक जानकी जी आगे चल रही हैं और आगे आते 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 शक्तियों के साथ अचानक भगवान को दर्शन हो गया, दिख गई। आहा, जब दिखी तो राम जी ने दावे पूर्वक कह दिया, लखन तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जही कारण हुई। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये आप कैसे जानते हैं यही जनक तनया है? मैं जानता हूं। और बड़ी सुंदर बात कही का, पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिरई कुलवाई। प्रकाश कर रही है, कौन सा प्रकाश? का भक्ति स्वतंत्र सकल जग खानी, भक्ति का प्रकाश है ये, भक्ति मणि का दीप है। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा दीप सिखा सोई परम प्रचंडा, ये प्रचंड दीपक की लाओ ये भक्ति का है। राम जी को लगा कि लखन तो समझ ही जाएगा, दुनिया के लोग कहीं अन्यथा न ले लें, इसलिए राम जी ने स्पष्ट कर दिया, लखन रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ मनु कुपंत पग लखन। हम रघुवंशियों का साहजिक स्वभाव है कि मन कुपंथ पर कबीर जाता ही नहीं, और मुझे अगर मेरी बात करो तो मुझे तो अपने मन पर पूरा पूरा विश्वास है। मोहियाति प्रतीति मन के जय सपने पर स्वप्न में भी दृष्टि कहीं और नहीं जा सकती लखन, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो परम सत्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जानकी जी आगे बड़ी, भगवान ने देखा और अब जानकी जी को भी भगवान दिखे हैं। लता भवन ते प्रगट भय ते ही अवसर तुम भाव निक से जनु जुग बिमल विदु जलद पटल बादल को चीर कर चंद्र प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार यहां इन लता कुंजों को चीर कर एक एक चंद्र नहीं दो दो चंद्र उदित हो गए। जानकी जी देखकर प्रेमानंद में डूब गई, भोरी हो गई, भगवान की छवि को आंखों के मार्ग से ले जाकर हृदय पर बिठा लिया। सखियां कह रही है, जानकी देख लो ना, ध्यान बाद में करना, गौरी जी का देख तो लो। फिर जानकी जी देखती हैं और राम जी के उस छवि को हृदय सिंहासन पर ले जाकर बिठा। तोहे राखो पियरवा के विधि तोहे राखो पियरवा के विधि से तोहे राखो पियरवा के विधि तोहे राखो पियरवा के विधि से हे प्राण प्रियतम तुम्हें किस प्रकार रखो। नैना
बीच राखूं तो किया तड़पत है, मैं ना बीच राखूं तो किया तड़पत है, मैं ना बीच राखूं तो किया तड़पत है, मैं ना बीच राखूं तो किया तड़पत है, किया बीच राखूं तो नैना तर प्रभावकारी है मेरे भाई बहन, ऐसे भी कोई भी स्तुतियां प्रभावकारी ही होती हैं, क्योंकि ये वंदना ये प्रार्थना भगवान के कृपा पाने का एक मजबूत अस्त्र है अथवा तो सुंदर मार्ग है। स्तुति को सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यह स्तुति अत्यंत ही प्रभावकारी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, पतिव्रता नारियों में मातु प्रथम तब रे, स्मरण किया गया। शंकर जी की पत्नी, गणेश कार्तिक की मां और हिमाचल की बेटी, इन तीनों रूपों का स्मरण किया गया। वस्तुतः नारियों के यही रूप है।
सेवत कोई सुलभ फल चाहिए, सेवत कोई सुलभ फल चाहिए, वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सबके हृदय में निवास करने वाली है, इसलिए कीनो प्रगट न कारण ते ही अस कहि चरण गहे वै। आप सब कुछ जानती हैं, इसलिए मैंने आपको कारण नहीं बताया। हम सब जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान को अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान जरा जान ले मुझे किस चीज की जरूरत है। लेकिन ये कभी मत भूलिए, भगवान का एक गुण अंतर्यामिता का है, वो हमारे आपके अंतर में एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी अंतरात्मा, वो हमारे आपके हृदय में सहज निवास करते हैं। इसलिए भगवान से मांगिए मत, वो जानते हैं किस चीज की जरूरत है हमें। उनके पास जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, यही बहुत है। स्वामी श्री शरणानंद जी आंख से अंधे थे, सूरदास जी थे, नित्य भगवान के मंदिर जाते थे। एक दिन शिष्यों ने पूछा, महाराज जी आपको तो दिखता नहीं, भगवान दिखते नहीं, फिर भी आप नित्य क्यों जाते हैं? स्वामी जी ने कहा था, बेटा मुझे नहीं दिखता लेकिन उसे दिखता है, वो तो मुझे देखता है, इसी में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो देखता है। इसलिए भगवान के पास जाकर याचना, इतनी लंबी लिस्ट, और उस लिस्ट को भगवान के सामने जाकर पूरा पढ़ दिया, हो गया दर्शन, चल दिया। अब जब वहां से निकले, आपको कोई पूछ दे भगवान ने आज कैसा वस्त्र पहना था, तो कहना पड़ता है ध्यान नहीं दिया। कैसा काजल लगाया था, ध्यान नहीं दिया। कानों में कैसे कुंडल पहने थे, ध्यान नहीं गया। तो ध्यान नहीं गया तो ध्यान किस चीज पर गया? का ध्यान गया अपने कामनाओं को लेकर जो गया था, उस लिस्ट पर ध्यान गया, कामनाओं को कह दिया। और कामना की पूर्ति तो एक अपने अपने हिसाब से, वो आपने सुना होगा, एक बहुत लंबे पेड़ पर एक आदमी चढ़ गया, वहां से जब उसने नीचे देखा तो लगा दिया, तो दूंगा कैसे? तो कहा, हनुमान जी 20 किलो लड्डू दूंगा अगर मैं उतर गया, 20 किलो। तो हनुमान जी 20 किलो लड्डू में क्यों खुश नहीं होंगे, भाई कोई 20 किलो दे रहा है। हनुमान जी ने भी सोचा चलो, तो हनुमान जी का नाम लेके थोड़ा नीचे जब उतरा, आधा लगभग आ गया, तो कहा, हनुमान जी 10 किलो तो जरूर दूंगा। वहां से थोड़ा और नीचे आया, नीचे की ओर देखा तो लगा कि कुछ निकट आ गए, कहा, हनुमान जी 5 किलो में कोई शंका नहीं, 5 किलो जरूर। वहां से और नीचे आ गया, कहा, हनुमान जी 3 किलो लड्डू दूंगा पक्का, डन 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 डन। और थोड़ा सा नीचे उतरा और कूद गया, अब जमीन पर आ गया था,
तो जब उतर गया तो पेड़ को प्रणाम किया और हनुमान जी को भी प्रणाम करते हुए कहा, हनुमान जी अब जीवन में कभी चढ़ूंगा ही नहीं तो लड्डू देने का काम क्या है। भगवान को भी हम नहीं छोड़ते, समस्या से गिरे तो भगवान गिरे, ऐसे ऐसे परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि हमें दुखी रहना पड़ता है। आशा जब पूरी नहीं होती तो निराशा के सागर में डूबना पड़ता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हरिद्वार वाले स्वामी जी भी, स्वामी श्री राम सुखदास जी, वो भी कहते थे भगवान से कुछ मत मांगो, मत मांगो। क्यों? इसलिए नहीं नहीं मांगो कि उनके पास हल्के हो जाओगे। अरे उन्हें तो जाचक सदा सुहाई, उन्हें तो मांगने वाला अच्छा लगता है। लेकिन मांगो तो क्या मांगो? अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगा। हे प्रभु, जो अविरल भक्ति श्रुति पुराण गाते हैं वो आप मुझे। श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन शरण। मांगो तो वो मांगो जो मांगना चाहिए, सगुन उपासक मोक्ष न ले ही तिन कह राम भगति निज दे। मोक्ष से भी एक सीढ़ी ऊपर की है जो संतों ने मांगा है उनको, सगुन उपासकों को मोक्ष नहीं। क्यों? अरे सगुन उपासकों के लिए तो ठाकुर आते हैं व्यापक, वो ब्रह्म निरंजन निर्गत निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल जाते गो। वो ठाकुर जो ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार भी है, जो सगुण साकार भी है और जो भक्तों के भावना में तदाकार भी है, वो ठाकुर लीला करने के लिए एक तत्व होते हुए भी दो रूप बनाकर सीताराम जी का यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं मोहरणव काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्तो आत्मा रामो विराज। काम क्रोध लोभ को मारने वाला, विनाश कर देने वाला वो ठाकुर जानकी जी शांति स्वरूपा है और शांति के साथ भगवान आत्मा रामो विराज विराज। किसी का चरण एक का पकड़ा जाए बस, चाहे जानकी जी का, चाहे राम जी का, अथवा आपके जो इष्ट हो, आपको जिनकी उपासना निकट पड़े, आप उनके शरणापन्न हो जाओ, बस यही दायित्व आपका, यही हमारा दायित्व है। स्वामी निसिय जू हमारी फिकर मोहे काहे, मिथिला के संत लोग स्वामी जी के भजन ज्यादा सुनते।
गाते और गाते हैं और मिथिला के प्रसंग में इसकी सार्थकता भी है थोड़ी सी। स्वामी सिया जो हमारी कर मोए काए शब्द हैं वाक्य हैं ध्यान देना। जाके ससुर महीपति दशरथ जाके ससुर महीपति दशरथ स्वामी अवध बिहारी कर मोहे काए हो स्वामी अवध बिहारी कर मोहे काए बोलो जानकी महारानी भरत लखन रिपु सुदन भरत लखन रिपु सुदन देवर कौन है भरत जी लखन और शत्रुघ्न कुमार और दास 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 त्रिपुरारी कर मोहे काहे और हनुमत पाव पुजारी
बात कही। प्रेम लता कलयुग का करिहा, अरे इस कलयुग से डरने की क्या बात है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और करेगा तो स्वामी निलय है समारी मोहे काए। ये जीवन भरोसे का, भरोसे का अगर जीवन हो गया ना तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती, सब पूर्ति हो जाती है। इसलिए संतों ने कहा कि भरोसो जाही दूसरो सो करे। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे तो माए बाप दो आखर हाँ शिशु अरण्य रो, भरोसो जाही दूसरों सो करो। अपने इष्ट, अपने ठाकुर, अपने परमात्मा, अपने उस प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। और भरोसा प्रकट अगर हो गया तो सब कुछ हो गया। जितने भी संत हुए सबका मूल शस्त्र भरोसा ही रहा, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गिरिजा जी से स्तुति करती है, मां आपको प्रकट रूप से जानती हैं कि क्या करना चाहिए, इसलिए आपके पास मैंने अपनी कामनाओं को नहीं कहा। हमारे भारत की भूमि है, यहां हम पत्थरों को भी अपना संबंधी मानते हैं और यहां पत्थर भी कृपा करते हैं। पुष्प वाटिका में तो हद हो गई, अरे पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती है, बोलती है। जिसे हम पत्थर की मूर्ति समझते हैं, वो मूर्ति, उस मूर्ति, उस प्रतिमा ने कुछ बोला है पुष्प वाटिका में। कैसे का इसलिए उस मूर्ति को बोलना पड़ा कि जानकी जी ने जो स्तुति की उसमें दो चीज बहुत जबरदस्त थी। क्या? विनय प्रेम बस भाई भवानी, दो ही चीज तो जानकी जी के पास थी। कहीं वर्णन नहीं आया पूजा का थाल, रौली मौली, चंदन घी कपूर दीपक बाती, कुछ नहीं आया वर्णन। पूजा करने गई तो कुछ तो लेके गई होगी ना, क्या लेके गई थी इसका वर्णन नहीं। लेकिन उनके पास क्या था जिससे गिरजा जी की प्रतिमा को मुस्कुराना पड़ा, बोलना पड़ा, माला पहनाना पड़ा? वो दो ही चीज थे मेरे भाई बहन, विनय प्रेम बस भाई भवानी। खसी माला किसका और जानकी जी के गले में धारण हो गया, अथवा तो गिरिजा जी ने माला अपने गले से उतार कर जानकी मां को पहना, अथवा तो गिरिजा जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी के गले में माला डाल दी। और जैसे गले में माला देखा जानकी जी ने तो गिरिजा जी की तरफ देखा तो क्या देखा, का मूरत मुस्कुरा रही जानकी,
मैंने पहनाया है, आश्चर्य मत करना मैंने ही पहनाया। मानो मुस्कुरा कर एक राज की बातें गिरजा जी कह रही हैं। मेरे भाई बहन सूत्र है, विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्यादि पात्रत्वाधर्मावलोकनम्, धन धर्म तत सुखम्। विद्या विनय देती है, विनय पात्रता देती है, और पात्रता धन देती है, धन धर्म देता है, और धर्म ततः सुखम सुख प्रदान कर देता है। इसलिए जीवन में विनय रखना बहुत जरूरी है, जीवन में नम्रता शिष्टाचार अनुशासन ये रखना जरूरी है, और देखो क्षमा मांगना जरूर आना चाहिए। क्षमा मांगना नहीं आ रहा है इसीलिए कलह और क्लेश का आधिपत्य होता जा रहा है। यहां ईंट का जवाब पत्थर से चलता है मेरे भाई बहन। एक पति ने अपने बेटे से कहा जूस पिएगा, कहा नहीं। रस पिएगा, कहा नहीं। चाय पिएगा, नहीं। दूध पिएगा, कहा नहीं। कहा बिल्कुल अपने मां पर ही गया, खून ही पिएगा। तो मां भी बगल में बैठी हुई थी, तो मां ने बेटे को कहा बेटा सेब खाएगा, कहा नहीं। संतरा खाएगा, कहा नहीं। कहा और कोई फल खाएगा, कहा नहीं। कहा बिल्कुल पाप पर ही गया, चप्पल ही खाएगा। यहां ईंट का जवाब पत्थर से चलता है, और जहां ईंट का जवाब पत्थर हो वहां शांति की संभावना कम होती है मेरे भाई बहन। यहां हम हारना नहीं चाहते, हम हार को एक निराशा के दृष्टिकोण से देख लेते हैं, परिणाम क्या होता है, हार हो जाता है, हार। और हार का अर्थ क्या है, जो हार जाता है उसे कभी हार पहनाया जाता है, जो जीतता है उसे हार पहनाया जाता है, और जीतने वाले की शोभा तभी है जब कोई हारने वाला हो। मैदान में इतने लोग खड़े होते हैं, जीतता कोई एक है, लेकिन वो जीतता इसलिए है कि उसके पीछे कोई हारने वाला है। हार से ही तो जीत की शोभा है, जीव से ही तो परमात्मा की शोभा है, हम जीवों से ही संसार की शोभा है, फूलों से वाटिका की शोभा है। जैसे इन सब से इन सब की शोभा है, ऐसे ही विनय और प्रेम से जीवन की शोभा है। इसलिए विनय प्रेम बस भई, भवानी खसी माल मूरत मुस्कान, मुस्कुराती है वो। और जब जानकी जी मुस्कुराते हुए मूर्ति को अवाक होकर देखती हैं, क्या मां मेरे पर इतनी प्रसन्न है, तब गिरजा जी ने सोचा कि अब तक तो मुस्कुराया, माला पहनाया, अब जरा बोल भी देती। जानकी सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, जानकी मैं आशीर्वाद दे रही हूं, और कैसा आशीर्वाद, केवल दे दिया नहीं, सच्चा आशीर्वाद दे रही हूं। मन कामना तुम्हारा
हे जानकी, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। ये मेरा सच्चा आशीर्वाद तुम्हें लग कर रहेगा। और याद दिलाया कभी जब नारद जी ने कहा था, नारद सदा सुखी साजा। तुमने मन में जो रचना करके रखा है उसी वर की तुम्हें प्राप्ति हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और कैसा सुनो सिय सत्य थी समाज। तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब क्यों हुआ? का ये इसलिए हुआ कि जानकी जी के हाथ में जो पूजा के थाल थे उसमें विनय और प्रेम के दो फूल रखे हुए थे। उस फूल को जब अर्पित किया तो फूल के बदले में गिरजा जी ने फूल दे दिया, माला पहना दी। प्रार्थना के बदले में आशीर्वाद दे दिया। और जीव स्वभाव बस किसी को स्तुति में आशंका न हो जाए, इसलिए स्तुति के फल में गिरजा जी ने स्वयं कह दिया कि सुनु सिय सत्य आशीष। हमारी आशीर्वाद में सच्चा का मोहर लगा दिया। गिरजा जी प्रसन्न है, जानकी जी प्रसन्न हुए और ऐसे आशीर्वाद लेकर गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भवानी पूजी मुनि तर्पण मंदिर चले, तुलसी भवानी पूजी मुनि तर्पण मंदिर चले, बात गारी जानकी जी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को गई। और अब हम लोग भी अपने अपने घरों को जाएंगे।